Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над Півднем України і вихід до кордону Молдови. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. तो इस समय जेलेंस्की ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो जो मैं आगाह कर रहा हूं, मैं ही हूं जो पढ़ पा रहा हूं भविष्य की इबारत और बाकी सबको आगाह कर रहा हूं, क्या यही बात वो बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक्स नेवल ऑफिसर कैप्टन श्याम कुमार भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपको आप स्टूडियो में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो वहां क्यों हैं? क्योंकि वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स आने वाले वक्त में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तब तक पहले मैं ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं संजय भारद्वाज जी और कैप्टन साहब के पास, क्या मोल्दोवा का नंबर अगला है? कैप्टन साहब देखिए, व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक नया फ्लैंक है अभी, उन्हें ब्लैक सी को पूरी तरह से ब्लॉकेट करके और इस जो सदर्न फ्लैंक है उसको कैप्चर करके और इनको एक तरह से वीक करना है यूक्रेन को। ओडेसा अभी उनको लेना है, तो अगर वो सॉफ्टनिंग द टारगेट कर रहे हैं और अगर मोल्दोवा और जो हमारी जो ये कंट्री है ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ से अगर वो एक नया फ्लैंक खोलते हैं तो एटलीस्ट उनका एक लैंड कॉरिडोर जो है वो मारियापोल से और खारसन मारियापोल से होते हुए करेक्ट ओडेसा तक आते हुए और वहां तक पहुंच जाएगा। तो एक तरह से इकोनॉमिकली वीक करेंगे, ब्लॉकेट करेंगे, वार्म वाटर पोर्ट जो चाहिए उनको मेडिटेरेनियन सी तक, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एयर कॉमोडोर बहल आपकी बात पर नकारात्मक सिर क्यों हिला रहे हैं? बहुत जल्दी सर। देखिए, अगर अगला टारगेट होगा फिनलैंड होगा, ना कि मोल्डोवा, और वो ये चाहेंगे कि युद्ध है वो खत्म कर दे 9 मई से पहले और उसके बाद कोई टारगेट। संजय भारद्वाज सर, मोल्डोवा या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये इनका सेकंड स्ट्रेटेजी है। अभी तक इन्होंने जो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट को एक ब्लॉक किया है और एक तरीके से यूक्रेन को लैंडलॉक बना दिया है, उनका सी से इनको कट कर दिया गया ताकि सप्लाई नहीं हो पाए, तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है निश्चित रूप से। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो डोनबास में हमने देखा क्या वैसा ही कुछ मोल्दोवा में होता हुआ दिखाई दे रहा है? ट्रांसनिस्ट्रिया में वैसा होगा या ऑफिशियली वैसा नहीं किया जाएगा? नहीं नहीं होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे पुतिन, वैसा ही होगा ये कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, सारे एक बात हो ऐसा नहीं है, कम से कम कॉमोडोर बहल ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। आप देखिएगा फिनलैंड का नंबर पहने आने वाला, क्या वाकई ऐसा ही? अहम खबर देखिए और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा एक महत्वपूर्ण ग्राफिक्स की तरफ। रूस से भारी हमलों से वीरान हो गया है खार्किव। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।